प्रोडक्टिव रहने के लिए मैं कौन कौन से हैक्स अपनी जिंदगी में यूज करता हूं जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों प्रोडक्टिविटी एक ऐसा वर्ड है जो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि मैं अपने वक्त को हमेशा अपने काबू में रखना चाहता हूं अगर आप अपने वक्त को अपने काबू में कर सकते हैं देन आप फ्रेंकली किसी भी चीज को पा सकते हैं किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज हर रोज कर रहे हैं मल्टीपल चीजें एक साथ कर रहे हैं ना प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप जब भी कोई चीज करते हैं ना तो उसमें एफर्ट उतना नहीं लगता जितना आपको लगता था लगेगा आप धीरे धीरे बढ़कर बहुत सारी बड़े चीजें कर सकते हैं विद लेसर एंड लेसर एफर्ट ज वट मेक्स यू प्रोडक्टिव आपका पर घंटे का आउटपुट पर दिन का आउटपुट पर हफ्ते पर महीने पर साल का आउटपुट हर साल हर दिन हर हफ्ते बढ़ता जाता है मैं बहुत सारे हैक्स यूज करता हूँ प्रोडक्टिव रहने के लिए इस वीडियो में मैं वो सारे हैक्स आपके साथ शेयर करूंगा और एक फन क्वेश्चन राइट इन द एंड जिसका अगर आप मुझे जवाब देंगे देन यू विल गेट माई फेवरेट प्रोडक्टिविटी बुक डिलीवर्ड एट योर डोस्टेट कैसे वीडियो को देखते रहिएगा नंबर एक प्रोडक्टिविटी हैक कुछ भी याद करने की कोशिश मत करिए हमारा दिमाग जो है ना वो चीजें याद करने के लिए नहीं चीजें करने के लिए है लेकिन हम अपने दिमाग को ना याद करने के लिए इतनी सारी चीजें डाल देते हैं वो चीज याद करनी है वो मैनेजर ने बोला था काम करना है वो मम्मी ने बोला था काम करना है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त ने बोला था कहीं जाना है वो किताब उठानी है वो वाले कपड़े पहनने हैं उन वाले जूतों से बात कर जूतों से बात करनी है उन वाले अंकल से बात करनी है वो वाले जूते पहनने हैं देर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी ट्राइंग टू रिमेंबर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी में फंस जाता है और वो काम करने में फिर प्रोडक्टिव नहीं रहता आई डू नॉट ट्राई एंड रिमेंबर एनी थिंग हर एक चीज मेरी या तो कैलेंडर में होती है या ईमेल पे होती है या फोन पे कोई अलार्म होता है या कोई वॉइस नोट होता है या कोई टू डू लिस्ट होती है मेरे दिमाग का हर एक पुर्जा सिर्फ एक ही चीज में फोकस करता है कि काम करना कैसे है कितनी खूबसूरती से करना है कितने लगन से करना है ना कि क्या करना था कब करना था कैसे करना था क्या बोला था एंड दैट इज द फर्स्ट हैक हैक नंबर दो अब हैक नंबर एक में अगर आप कुछ याद नहीं रखना चाहते तो इसके लिए हैक नंबर दो जरूरी है विच इज डॉक्यूमेंट एवरीथिंग हर एक चीज का एक रिकॉर्ड बनाइए ताकि आपको कुछ याद ना रखना पड़े मैं फॉर एग्जाम्पल अपने साथ हमेशा एक नोटबुक कैरी करता हूं मैं अपने फोन को यूज करता हूं एक्टिवली इन फॉर नोटबुक और इस नोटबुक में हजार तरीके की चीजें लिखी होंगी मेरे कैलेंडर पे हर एक चीज डॉक्यूमेंटेड होती है कोई बिल पे करना है किसी का बर्थडे है कहीं कुछ रेगुलर मेरे को करना होता है दिन पे हफ्ते पे महीने में ऑल ऑफ दैट इज देयर एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम मेरे पास तीन डॉक्यूमेंट होते हैं नंबर एक आइडियाज के लिए ये वो वाले आइडियाज हैं जो मैं फ्यूचर में इंप्लीमेंट करना चाहता हूं या मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन चलती रहती है तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए दूसरा थिंग्स दैट आई डू ये है वो सारी मेरे टू डू लिस्ट आज मुझे ये करना है ये करना है ये करना है कल मुझे ये करना है परसों मुझे ये करना है सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड तीसरा मीटिंग नोट्स अगर मैं किसी से मिलता हूं अपनी टीम से या अगर मैं किसी काम पे बैठा हुआ हूं तो उसके दौरान जो मैं नोट्स बना रहा हूं ताकि मैं उन नोट्स पे वापस आकर रिफ्लेक्ट कर, कर पाऊं और मुझे कुछ याद ना रखना पड़े दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन दैट यू नीड टू बिल्ड फॉर योर सेल्फ एस वेल प्रोडक्टिविटी हैक नंबर मेरी हर एक चीज इनफैक्ट मेरी पूरी जिंदगी मेरे कैलेंडर पे है हर एक चीज मेरी कैलेंडर पे है और इसीलिए मेरा कैलेंडर बहुत फ्यूचर में भी काम करता है फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो में 22 अगस्त को शूट कर रहा हूं विच इज मच इन एडवांस फॉर द रिलीज क्यों क्योंकि हम सितंबर के फर्स्ट हफ्ते में ऑफ साइड जा रहे हैं तो उस दिन में शूट नहीं कर पाऊंगा और उसकी प्लानिंग के लिए मैं पहले ही शूट कर रहा हूं और ये रहा मेरा कैलेंडर एवरी वीक मेरा वीकली शूट होता है विच इज फ्रॉम टू टू फाइव पी फिर हर मंडे शाम को हमारा एक बारिक बारिकूह का कैचअप होता है इज एंटायर टीम एंड एंड वी हडल अप डू दैट कल क्या होने वाला है परसों क्या होने वाला है इस पूरे हफ्ते क्या होने वाला है एंड देन हफ्ते दर हफ्ते क्या होने वाला है एवरीथिंग इज देयर ऑन अ कैलेंडर मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है मैं कहाँ जाने वाला हूं <clears throat> कौन से कॉपरेट टॉक है कौन सी वेकेशन है कौन सी चीजें हैं जो रेगुलरली जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रेगुलर वीक ऑफ माइंड ये है वो सारी चीजें जो मैं हर हफ्ते अगर कुछ भी नया नहीं है मैं करता हूं मैं मंडे को सुबह एड्स बनाता हूं दोपहर में फिर अपने वीडियो शूट करता हूं शाम को फिर अपना कैचअप होता है वेंसडे को मैं न्यूज लेटर लिखता हूं शाम को इंस्टाग्राम के ए एम ए या आसमी एनीथिंग का रिप्लाई देता हूँ फ्राइडे को ट्विटर थ्रेड लिखता हूँ फिर रुचि और मैं एक लंच पे जाते हैं फिर मेरे डिजिटल मार्केटिंग का कैचअप होता है फिर यूट्यूब का कैचअप होता है शाम को मैं इंस्टाग्राम लाइव करता हूँ फिर सैटरडे को उजमा की एक क्लास होती है तो ऑल ऑफ दिस इज देय लेकिन इसके फिर चलते देर आर न्यू थिंग्स दैट कीप कमिंग अप तो हम अक्टूबर में कहीं जा रहे हैं और फिर यहाँ कुछ और हो रहा है किसी का बर्थडे है एवरी इज डॉक्यूमेंटेड बिकॉज दिस देन अलाउज मी बी ऑन टॉप ऑफ माय गेम ये है प्रोडक्टिविटी मेरा दिमाग कुछ भी याद नहीं करेगा हर एक चीज जो मुझे करनी है वो मेरे कैलेंडर पे होगी एंड देन माय ब्रेन इज सिंपली एग्जीक्यूटिंग टू परफेक्शन प्रोडक्टिविटी हैक नंबर चार मैं अपने आप को ईमेज लिखता हूं इन द फ्यूचर ना वाइट इज दिस वर्क काफी बार हमें कुछ दिमाग में आता है जो हम करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते नाओ आपके पास दो चॉइसेस हैं या तो आप उसको याद करने की कोशिश करिए लेकिन ना 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 पहले हैक्स में आपको पता चल गया कि आप कुछ याद करने की कोशिश नहीं करेंगे दूसरा है आप अपने नोटबुक पे लिख दीजिए लेकिन वो आज लिखेंगे पता बहुत सालों बाद या बहुत महीनों या बहुत हफ्तों बाद करना है तो पता नहीं वो पेजेस पन्नों में कहां घुमा जाएगा दैट्स वाई यू सेंड एन ई मेल टू योर सेल्फ इन द फ्यूचर एंड आपको जितना भी कॉन्टेक्स्ट शेयर करना है वो आप सब कर सकते हैं तो आप अपने ई मेल लिखेंगे बोलेंगे हे अंकुर ये हमने देखा था और इसके बारे में मैंने ये सोचा मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए मुझे लगता है हमें इसलिए करना चाहिए इसको करने का ये तरीका है ये मेरे थोड़े बहुत ख्याल थे उस समय पे और ये मैं आज लिख रहा हूं लेकिन आपको मिलेगा तीन महीने छह महीने जब भी आप भेजना चाहते हैं उस समय पे एंड देन यू यूजिंग जी मेल स्केड्यूल सेंड फ्यूचर में आपने आपको भेजेंगे दिस इज सच अ ब्रिलियंट हैक इट ऑल द टाइम क्योंकि आप फिर उस समय जो भी सोच रहे थे वो अपने दिमाग से निकाल देते हैं एंड जिस वक्त पर आपको उसको फिर से सोचना है उस समय पे आप अपने ईमेल पे वो वापस ले आते हैं एंड दैट इज अ प्रोडक्टिव वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स बहुत सारे आइडियाज हैं जो मैं ऐसे शेयर करता हूं एनी थिंगन कोई इंसान से आपको बात करनी है किसी इंसान को आपको कुछ रिमाइंड करवाना है ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल एंड इट्स लिंक्ड टू योर प्रोडक्टिव सेल्फ प्रोडक्टिविटी हैक हो नंबर पूरी, पूरी टेक्निक का एक ऐप है तो टेक्निक क्या होती है कि आप थर्टी मिनट्स के स्लैब पे काम करते हैं उससे आपका फोकस जो है वो पीक पे रहता है पच्चीस मिनट काम पांच मिनट ब्रेक पच्चीस मिनट काम पांच मिनट ब्रेक पच्चीस मिनट काम पांच मिनट ब्रेक तो इसको कैसे करेंगे एक पोमोडोरो टेक्निक का ऐप डाउनलोड कर लेंगे मैं अपनी ईमेल्स को एक अलग टूल से भी मैनेज करता हूं जिसका नाम है मेल मैन उसके थ्रू मैं अपनी ईमेल सिर्फ तीन बार अपने इनबॉक्स में लाता हूं सिर्फ तीन बार तो ये नहीं है कि ई जैसे आ रही है वैसे मेरे इनबॉक्स भर रहे हैं और फिर मैं अपने फोकस को लूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे उस ई का जवाब देना है ना मैं अपने कैलेंडर को मैनेज करता हूँ थ्रू अनदर टूल कॉल कैलेंटली तो वो एक अनदर टूल है तो तेरा प्लेटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल टू मेक यूर सेल्फ प्रोडक्टिव एंड यू हैव टू फिगर आउट आपका वक्त वेस्ट होता है कहाँ अपने वक्त को जाया करते हैं और उसके थ्रू उसको सॉल्व करने के लिए एक टेक्नोलॉजी टूल यूज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी है मैंने अपना कैलेंडर अपनी वाइफ रुचि के साथ शेयर किया हुआ है help? इसलिए नहीं क्योंकि ओ उसे पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं इट्स बिकॉज शी है लॉर्ड ऑफ थिंग्स मी टू डू एंड क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है एंड शी मैनेजिंग फैमिली रिलेशनशिप्स तो कहीं मामा मासी चाचा किसके घर पे जाना है किसी का लंच है किसी का बर्थडे है किसी की शादी है वो सारी चीजें वो मेरे कैलेंडर पे डाल देती है क्युं? तो अगर मेरे कैलेंडर पर कोई चीज आ गई तो मैं खुद की भी नहीं सुनता एंड शी देिटी टू एडिट एड डिलीट एनीथिंग ऑन माइ कैलेंडर एंड दैट इज सच अ ग्रेट प्रोडक्टिविटी है अगर आप मैरिड हैं एंड यू हैव टू मैनेज द स्केड्यूल विद योर बेटर हाफ प्रोडक्टिविटी हैक नंबर सात बहुत इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप के सेल्फ ग्रुप्स ये होता है अगर आप अपने साथ व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं या कुछ सेव करना चाहते हैं सो हियर्स हाउ यू डू इट थ्री स्टेप प्रोसेस है स्टेप नंबर वन किसी भी दोस्त के साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए जैसे वो ग्रुप बन जाएगा उस दोस्त को हटा दीजिए होपफुली आपकी दोस्ती बरकरार रहेगी एंड वो जो ग्रुप है उसको फिर आप पिन कर दीजिए राइट टू द टॉप तो क्या होगा आपके व्हाट्सएप के सबसे ऊपर एक ग्रुप होगा जो आपके साथ होगा मेरे दो ऐसे ग्रुप हैं एक थॉट्स एंड आइडियाज के लिए तो कभी कभी अगर मेरी वो आइडियाज वाली नोटबुक मेरे साथ नहीं होती है तो मैं व्हाट्सएप पे कर लेता हूं वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेता हूं सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ एनीथिंग राइट बिकॉज इज व्हाट्सएप एंड नंबर टू फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस कुछ भी चेक करना हो सेव करना हो मेरे आर टी पी सी आर या वैक्सीन सर्टिफिकेट को या मेरे पैन कार्ड का कुछ नंबर या कुछ भी और ऑल ऑफ दोज आर देयर इन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इजी शेयरिंग एंड ईजी एक्सेस तो मेरे एयरलाइन की टिकट अगर कहीं होती है या कुछ भी और होता है वो सारा डॉक्यूमेंट इमेजेस वाले फोल्डर में जाता है जो भी है, जो भी भी मेरे मेरे ख्याल होते हैं अपने साथ के कॉन्वर्सेशन होते हैं वो मेरे कॉन्वर्सेशन वाले फोल्डर में जाता है एंड दिस आई बिलीव ए ग्रेट हैक जो हर एक इंसान यूज कर सकता है प्रोडक्टिविटी हैक नंबर एट दोपहर में एक घंटा सो लेनाइज कि ये बहुत सारे लोग नहीं कर सकते इनफैक्ट मैं भी दो साल पहले तक नहीं कर सकता था क्योंकि फाउंडर की जिंदगी वो पूरा काम ऑफिस जाना लेकिन फिर कोविड आया सब घर पे ही थे तो एक आदत सी पड़ गई अब मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूं तो मैं हमेशा दोपहर में सोने की कोशिश करता हूं एक घंटा ना वाई इज दैट इंपॉर्टेंट इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके बॉडी को आपके दिमाग को रेस्ट की जरूरत है आप सिर्फ भागते ही नहीं रह सकते आपको ना शेर जैसे काम करना है शेर क्या करता है अगर आप कभी भी जंगल में शेर को देखेंगे तो वो हमेशा शिकार नहीं कर रहा होता है इनफैक्ट ज्यादातर टाइम वो सो रहा होता है रिलैक्स कर रहा होता है सोच रहा होता है पता नहीं क्या लेकिन जब उसको भूख लगती है जब उसको शिकार करना होता है तो वो जो पूरी एनर्जी उसने सेव करके रखी है उस पर फोकस करके उसको अच्छे से करता है दैट इज हाउ यू शुड लीड लाइफ रेस्ट हंट रेस्ट हंट हंटोटो टेक्निक इसीलिए काम करता है 25 मिनट काम पांच मिनट रेस्ट पच्चीस मिनट काम पांच मिनट रेस्ट तो अगर आप एक घंटे तक दोपहर में नहीं सो सकते कभी भी आपको मौका मिले दस पंद्रह मिनट आंख बंद करके अपने फोन को मत देखिए म्यूजिक मत सुनिए किताब मत पढ़िए किसी और से बात मत करिए आंखें बंद करके सोने की कोशिश करिए शायद नींद आएगी नहीं आएगी लेकिन उस 10-15 मिनट में इसको पावर नैप बोलते हैं आपकी बॉडी रिचार्ज होगी दैट विल हेल्प यू बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन यू आर अप प्रोडक्टिविटी हैक नंबर नाइन अपने एनवायरनमेंट की इज्जत करना जानिए जैसे आप मुझे यहां देख रहे हैं मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूं लेकिन तब भी मैंने एक बकायदा टी शर्ट पहनी हुई है पैंट्स पहनी हुई है मैं एक ऑफिस जैसे सेटअप में हूं यह नहीं है कि घर पे बेड पे बैठकर मैं चिल मार कर काम कर रहा हूं या सोफे पे लेट कर मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा हूं नहीं एक इन्वायरमेंट ना आपको जोन में लाता है एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस एनवायरमेंट की कद्र करें अपने आसपास वही चीजें रखें जो आपको प्रोडक्टिव बनाती है यह नहीं कि साथ में चिप्स का पैकेट भी है मम्मी चाय दे दो ना इट हैज टू बी द वे दैट यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव नॉट द वे दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल एंड देन फाइनली प्रोडक्टिविटी हैक नंबर टेन अपने एनवायरनमेंट में एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करिए जहां आपको मोटिवेशन की कम से कम जरूरत हो और प्रोडक्टिविटी एम्फिस हो डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि सोने से पहले आप अपना फोन देखना शुरू करते हैं पंद्रह मिनट देखूंगा पंद्रह पंद्रह यूट्यूब शॉर्ट पंद्रह मिनट देखना शुरू करें एक घंटा दो घंटे निकल गए वट यू डन यू हैोटिवेशन कि पंद्रह मिनट बाद लेकिन वेरी हाँ तो कम आपको क्या करना है कि आपकी मोटिवेशन पे आप निर्भर ना रहते हुए प्रोडक्टिविटी पे मैक्सिमाइज फोकस करेंदर एग्जाम्पल आप सुबह अगर एक अलार्म से उठते हैं

You will actually wake up feeling good and not instead feeling bad about getting up. ये छोटी-छोटी चीजें are important for you to create a sensory reaction to productivity. कि जैसे मैं productive होना चाहता हूँ, मैंने अपना environment भी उसी माहौल में ढाल दिया है ताकि मैं irritate ना हो, गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, उदास ना। हूं. Instead I feel happy about what I'm doing. ये थे दस प्रोडक्टिविटी हैक्स जो मैं अपनी जिंदगी में डिप्लॉय करता हूं टू बी मैक्स प्रोडक्टिव एक इंटरेस्टिंग गिव अवे आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन सा ऐसा प्रोडक्टिविटी हैक है जो जो आप यूज करते हैं जो कि इस दस में इंक्लूडेड नहीं था अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है तो आप ये बताइए कि इन दस में से आपका फेवरेट प्रोडक्टिविटी हैक कौन सा है द वे टू डू दैट इज नंबर वन सब्सक्राइब टू द चैनल जो लोग सब्सक्राइब करेंगे सिर्फ वही एलिजिबल होंगे गिव अवे के लिए नंबर दो अपना कोई प्रोडक्टिविटी हैक या इन 10 में से आपका फेवरेट प्रोडक्टिविटी हैक कौन है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड देन नंबर तीन मुझे ये बताइए कि ये क्यों है आपका प्रोडक्टिविटी हैक आपके लिए क्यों काम करता है या इन 10 में से जो आपका फेवरेट है वो क्यों है वंस आई हैव दिस लिस्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट 10 रैंडम लकी विनर्स और उनको मैं अपनी मोस्ट प्रोडक्टिव किताब गिफ्ट करूंगा माय टीम विल गेट इन टच दो हफ्ते में फ्रॉम द रिलीज ऑफ दिस वीडियो एंड तब हम विनर्स को अनाउंस करेंगे थ्री स्टेप्स सब्सक्राइब करना ना भूलें कमेंट करें विद योर प्रोडक्टिविटी हैक या आपका फेवरेट फ्रॉम दिस टेन एंड देन नंबर तीन क्यू और व्हाई डज इट वर्क फॉर यू एंड दस विनर्स को मेरी तरफ से एक किताब होम डिलीवर्ड आगुरुवारे साइनिंग ऑफ YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं नो लॉन्ग फॉर्मेट मैट कॉन्टेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो सेकंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दिस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस डू सब्सक्राइब करिए पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल